अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच जानना चाहते हो तो नीचे लिखे पते पर आ जाओ, हाउस नंबर 23 जमुना बाई बस्ती। इसने भी चाहिए मैसेज मुझे। ये तुम्हारे लिए फिर से कोई एसएमएस आया है? हमारे लिए? करण तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहती हो तो पुरानी बस्ती के घर नंबर 23 पहुंच जाओ। हैरानी तो इस बात की है कि कोई है जो तुम पर नजर रखे हुए है, वरना उसे हमारा नंबर कैसे मिलता? आभा, कोई फिर से तुम्हें फंसाने की कोशिश? नहीं नहीं निलंजना जी, हमें तो लगता है शायद कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और अब यहाँ हमारे लिए जाना अच्छा हो या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है। बस अब और इस अंधेरे में नहीं रह सकता मैं। आज मैं सारा सच जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो औरत मिली के ढूंढ रहे हैं ना? देख चमरू, उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल, कहीं से भी ढूंढ निकाल, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना तू, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ढूंढ लेंगे। मैंने ही वो मैसेज भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें उस कमीनी अलबेली की सच्चाई बता सकूं, जिसे मैं ही आभा बनाकर स्वर्ण भवन ले आई थी। लेकिन भाभी आप तो, मेरे पास वो आखिरी जरिया बचा था स्वर्ण भवन अपने नाम करवाने का। यकीन करो आप, मैंने जो कुछ भी किया वो स्वार्थ में अंधी होकर किया, सिर्फ स्वर्ण भवन। स्वर्ण भवन, स्वर्ण भवन, स्वर्ण भवन। आपको एहसास नहीं है आपने क्या किया? स्वर्ण भवन को पाने के लिए आपने हमारी जिंदगी उजाड़ दी भाभी। नहीं भाभी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया आपने, अलबेली बना दिया, हमें अपने परिवार से अलग कर दिया। वो हमारी मदद क्यों करेगी? क्यों करेगी? ताकि मैं अलबेली का सच सबके सामने ला सकूं, ताकि मैं आभा और करण को एक कर सकूं। तुम दोनों मेरी वजह से जुदा हुए थे ना, अब मैं ही तुम दोनों को साथ कराऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। और तुम्हें पता, उस अलबेली ने तो अरुणा जी को भी किडनैप करवाया था ताकि तुम्हारी आभा होने का आखिरी गवाह भी बेटा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। मतलब अरुणा जी आपके पास? हाँ आभा, और एक अरुणा जी जो करण और घर वालों के सामने ये साबित कर सकती है कि तुम ही आभा। बेटा होलिका की पूजा से लौट रही थी, पता चला कि तुम घर नहीं पहुंचे हो तो देखने चली आई। होली का दिन तुम्हारी जिंदगी में कितनी कड़वी यादें लेकर आता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही कह रही हैं आप दाइमा। लेकिन अपनी कड़वी यादों को याद करके जिया तो नहीं जा सकता। कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपने दर्द को छिपाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने इस बार फैसला किया है कि लता जी के साथ हम स्वर्ण भवन होली खेलने जाएंगे। लाडो, बुढ़िया हमारे कब्जे में है, दबोच लिया बुढ़िया ने हमने, और अब इसको ऐसी जगह जाके छुपाएंगे जो करण तो क्या इसकी साथ पूछते नहीं ढूंढ पाएगी।